हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अगर आप देख रहे हैं एजी महाथाव चैनल। फ्रेंड्स, किसी का कमेंट आया था कि सर ज़मीन नापवाना है, हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि ज़मीन नापवाना अगर है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि एक तहसीलदार साहब को जो है एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। जी हाँ, वो तहसीलदार साहब को आप एप्लीकेशन लिखेंगे जो कि सीमांकन के पर्पज़ से। जी हाँ, आपका ज़मीन, आपके ज़मीन को नापवाना है तो आपको वहाँ पर जो है एक सीमांकन कराना होता है। ठीक है, बराबर है, वही सेम एक ही चीज़ होता है। और उसमें आपको रिपोर्ट बनाकर देते हैं आपका ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है और किस दिशा में है, और आपके पूर्व दिशा में किसका ज़मीन है, पश्चिम में किसका है, दक्षिण में किसका है और उत्तर में किसका दिशा है। ये सारी चीज़ जानने के लिए आपको ये ज़मीन तो नापवाना पड़ता ही है। तो इस जगह पे आपको एप्लीकेशन एक तो बनाना पड़ेगा, आवेदन लिखना पड़ेगा तहसीलदार साहब को। ठीक है, आपके एरिया का जो है तहसीलदार साहब होंगे, उनको जो है एप्लीकेशन लिखेंगे। और किस तरीके से एप्लीकेशन लिखा जाता है इसके बारे में ऑलरेडी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर जो है उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा कि सीमांकन एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। आप सर्च मारेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले जैसे कि आपने जो है, अगर आपको सीमांकन के लिए भी जो है आप सीमांकन कराना है तो पहले जो है आपको चालान बनाना पड़ेगा। जी हाँ, एक तो चालान बनता है, चालान पटाना पड़ता है। तो चालान पहले तो आप भरना पड़ेगा आपको, चालान भरने के बाद उसको पटाना पड़ेगा। पटाएंगे कहाँ से, कहीं बैंक के माध्यम से ही पटाया जाता है। किसी स्टेट में जो है स्टेट बैंक के थ्रू से जो है पटाया जाता है, कहीं पर जो है PNB बैंक के थ्रू से पटाया जाता है। इस तरीके से जहाँ पर उसका संस्था रहता है, यानी कि राजस्व विभाग में पैसा जाना चाहिए। ठीक है, आपका जो है सीमांकन के लिए जो आप आवेदन जमा करेंगे या फीस पटाएंगे तो उसके लिए जो है राजस्व विभाग में कुछ पैसा आपको जो है फीस डिपॉजिट करना पड़ता है। तो वो डिपॉजिट करने का प्रोसेस जो है आपको बैंक के माध्यम से आपको होता है। तो हर बैंक की ब्रांच में जो है वो चीज़ें नहीं पड़ती है। जिस बैंक की ब्रांच में जो है चालान पटाया जाता है उसी बैंक में ही जो आपका चालान पटेगा। और अगर कहीं दूसरी संस्था है किसी जगह पे, तो किसी स्टेट में दूसरी संस्था है कि चालान पटाने का व्यवस्था राजस्व विभाग में कैसे पैसा पटाना है, कैसे जमा कराना है, तो उसको जो है हो सकता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीका भी हो सकता है। उसको आपको जांच पड़ताल करना होगा और उसी आधार पर जो है आपको एक चालान भर के चालान बना कर जो है पटाना पड़ता है। चालान आता है तो चालान भी किस तरीके से बनाया जाता है वो चीज़ें भी मैं ऑलरेडी जो है आप लोग को बता चुका हूँ पहले भी। तो दोस्तों, वो चीज़ें अगर वो वीडियो अगर आप नहीं देखे ना उसको भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन कमेंट में आया था कि जो है हमें अपनी ज़मीन नपवाना है तो हमें क्या करना होगा, तो इसका जो है आज मैं यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए यही होता है कि पहले जो है चालान आपको जो है पटाना होगा और उसमें चालान ऐसे पटाइएगा जितना खसरा रहेगा उतना 50-50 रुपए लगता है। ठीक है, एक खसरा रहेगा, खसरा नंबर, तो चाहे एक खसरा नंबर जो जिसे कि प्लॉट नंबर बोलते हैं, है ना, तो उसमें जो है एक प्लॉट नंबर या एक खसरा नंबर का 50 रुपये, दो खसरा नंबर का 100 रुपये, चार खसरा नंबर का 200 रुपये, 10 खसरा नंबर का 500 रुपये और 20 खसरा नंबर का 1000 रुपये। इस टाइप का जो है खसरा नंबर के हिसाब से आपको चालान पटाना पड़ता है, फीस पटाना पड़ता है सीमांकन के लिए। तो दोस्तों, तो ये पटाने के बाद ये सीमांकन आप पटा लिए, पटाने के बाद जो है एक आवेदन आपका बनता है तहसीलदार साहब को। वो आवेदन पेपर और जो है ये चालान, जो ओरिजिनल चालान आपने बैंक में फीस पटाए, वो चालान और आवेदन के साथ में आपके ज़मीन का जो रजिस्ट्री कॉपी होता है, ठीक है, रजिस्ट्री का छाया प्रति है ना, वो लगेगा। और उसमें अगर B1 P2 अगर निकलता है तो B1 P2 आप उसमें लगा दीजिएगा, और नक्शा है तो आप नक्शा लगा दीजिएगा उसमें। जो भी आपका उस कागज़ का जो है जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स जो है आप उसमें अटैच करके जो है आप एक प्रति जो है आप तहसीलदार साहब को जो है आपको वहाँ पर जाके वहाँ पर एप्लीकेशन देना होगा। तो वहाँ से जो है तहसीलदार साहब क्या करेंगे, उस एरिया का RI अमीन को जो है वो आदेश पारित करेंगे कि आप जाके आप इतने इस डेट में जाकर वहाँ पे जो आपको उनकी ज़मीन को जो है नापना है बोल के वो आदेश देंगे, अमीन या पटवारी को आदेश देंगे।
तो जाके आपका ज़मीन वहाँ पे नपाया जाएगा। तो ये आमीन और पटवारी और जो तहसीलदार साहब, ये लोग मिलकर जो है विचार करेंगे कि किस डेट में जो है इनका सीमांकन जो है किया जाए। डेट निकालेंगे, डेट निकालने के बाद जो है ऑर्डर शीट निकलती है, फिर उसी हिसाब से जो है तहसीलदार साहब आपको सुझाव देंगे, सॉरी तहसीलदार साहब एक ऑर्डर शीट देते हैं, है ना। तो उस ऑर्डर शीट को आप अमीन या पटवारी को आप देंगे, और वो अमीन पटवारी क्या करेंगे, एक नोटिस काटते हैं जो आपकी ज़मीन के अगल बगल में जो है किसी और लोगों का भी जो ज़मीन है उन लोग का भी को उन लोग के पास जो है नोटिस काटेंगे कि भाई इनका ज़मीन जो है उसका हमें जो है वहाँ पर सीमांकन करना है। तो जिस दिन हम सीमांकन इतने तारीख को जो है सीमांकन करना है, तो उस दिन जो है आप लोग को वहाँ पर जो है इतने बजे मौजूद वहाँ पे रहना होगा। तो वो जो है अमीन या पटवारी जो होते हैं उन लोग नोटिस काट कर देते हैं उन लोग को, है ना, गांव वालों को। तो उन लोग जो गांव वाले वहाँ पे मौजूद रहेंगे, तो उस समय जो है बताएंगे, उस समय रहेंगे और बताएंगे कि हाँ उन लोग का सीमा कहाँ से कहाँ तक है, उनका ज़मीन कहाँ तक है, उनका ज़मीन कहाँ तक है, उनका ज़मीन कहाँ तक, उनका ज़मीन कहाँ तक है, वो चीज़ें जो है अपना अपना वो बताएंगे। तो आपका ज़मीन जो है वहाँ पर निकल कर आता है कि हाँ आपका ज़मीन सही से जो है वो जितना आपका रकबा बता रहा है उतना एरिया ज़मीन आपका निकल रहा है कि नहीं है, वो चीज़ें जो है आपको निकाल कर जो है वहाँ पे जो है सही से नाप कर आपको जो है ज़मीन आपका देते हैं। तो इस प्रोसेस से होता है दोस्तों, जिन्होंने कमेंट किया था तो उनके वजह से आज कई लोगों को जो है इसकी जानकारी मिल गया होगा ज़रूर। तो दोस्तों सबसे पहले यही होता है कि चालान पटाना होता है, चालान पटाने के बाद एप्लीकेशन तहसीलदार साहब को देना पड़ता है, तहसीलदार साहब जो फिर अमीन पटवारी को आदेश पारित करते हैं और आपके ज़मीन पर जाकर उन लोग जो है नापा जोखा करते हैं आपकी ज़मीन का। और नापा जोखा करने के बाद जो भी वहाँ पर रिपोर्ट निकलता है वो एक रिपोर्ट बनाकर आपको बाकायदा देते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो है रिपोर्ट बनाकर जो है तहसीलदार साहब को वहाँ पर पेश करेंगे, और तहसीलदार साहब वहाँ पर साइन करके वेरीफाई करके आपको जो है वो रिपोर्ट आपके हाथ में मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है आपके ज़मीन का नापाई होता है, ठीक है। तो ज़मीन का नापाई कैसे होता है, कहने का मतलब इसी आधार पे जो है ज़मीन का नापाई होता है। तो दोस्तों आपकी क्वेश्चन का जो है ये जो है सवाल का जवाब मिल गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि आपके ज़मीन कैसे नापाई होता है इसके बारे में। तो आपको ज़रूर जो है आज का वीडियो हेल्पफुल ज़रूर लगा होगा। तो अगर आप लोग को अब वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर दोस्तों एक ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल में दोस्तों नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को ज़मीन से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आपको और भी मिलने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।